नमस्कार दोस्तों, द लाइसियम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास यानी आज की जो हमारी परिचर्चा होगी वो ज्योग्राफी रीजनल यानी बिहार ज्योग्राफी रीजनल पार्ट टू की बात करेंगे, क्योंकि पार्ट वन हम लोग कल किए थे और जो आज बाकी जो बच्चा है उसको हम पार्ट टू में देखेंगे। तो अगर कल के क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और कल के क्लास आप लोग के लिए एफिशिएंसी यानी इम्पोर्टेंट हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ में शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि द लाइसियम पे हम लोग क्या क्या लेके आ रहे हैं। तो अगर द लाइसियम की हम बात करें तो जैसे अभी बिहार क्रैश कोर्स की बात चल रही है, उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स लेके आएंगे। इस पर टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च करेंगे, तो बिहार का प्री का हो, मेंस का हो, यूपी का प्री का मेंस का हो, या किसी और पीसीएस की बात हम इस पे करेंगे। तो द लाइसियम में माई सेल्फ फिरोज आलम और आज हम बिहार रीजनल ज्योग्राफी पार्ट टू की परिचर्चा करेंगे। तो आज हम पार्ट टू में देखेंगे बिहार के मैदान यानी बिहार के मैदान की बात करेंगे। किसकी? तो हम बिहार की मैदान की बात करेंगे, उत्तरी बिहार का मैदान, द नॉर्थन बिहार प्लेन। यानी अगर हम बात करें तो उत्तरी बिहार का मैदान तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी संभाग क्षेत्र को कवर करता है। यानी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी बिहार का मैदान किस किस क्षेत्र को कवर करता है, तो तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी। अगर हम मैप में जाके देखें तो ये जो मैप वाली जो क्षेत्र है, जलोढ़ वाली क्षेत्र आ सकती है। किसके? जलोढ़ वाली। और इसकी हम बात करें तो पूर्णिया, दरभंगा और कोसी और संभाग के क्षेत्र कवर करता है। यानी इसकी बात करें तो फॉर्म बाई द एलुवियल डिपोजिट यानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक और बागमती आदि नदियाँ। यानी यहाँ कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से बनती है, तो गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियाँ। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है यानी इम्पोर्टेंट फीचर्स इसका क्या है? तो अगर इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो चुआर यानी गोखुर झील या नदियों के परित्यक्त चैनल है। किसके? गोखुर झील। गोखुर झील या नदियों के परित्यक्त चैनल है। ये बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार जिलों में पाया जाता है। यानी गोखुर झील या नदियों के परित्यक्त चैनल है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार जिलों में पाया जाता है। अगर आप मैप की बात करें तो बेगूसराय कहाँ है? तो बेगूसराय यहाँ पे है, देख लिए। सहरसा यहाँ पे है। कटिहार आप लोग इसको मैप में जाके देख सकते हैं, कटिहार यहाँ पे है तो यहाँ पे पाई जाती है। अब बात करें दोआब, दो नदियों का बीच का क्षेत्र, यानी जब दो नदियों के जो बीच के क्षेत्र हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। यानी दोआब में कौन कौन से नदियाँ हैं? तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। यानी दोआब का मतलब दो नदियों का बीच का क्षेत्र। तो घाघरा और गंडक के बीच का क्षेत्र, गंडक और कोसी के बीच का क्षेत्र और कोसी और महानंदा का बीच का क्षेत्र। उसके बाद हम दियारा की बात करें, दियारा दशकों से रेत और जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण द्वारा बनाई गई भूमि को कहते हैं। किसको कहते हैं दियारा? तो दशकों से रेत और जलोढ़, किसको? रेत और जलोढ़ की मिट्टी के निक्षेपण द्वारा बनाई गई भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? दियारा कहते हैं। अब ये अभी हम लोग किसकी बात किए? उत्तरी बिहार के मैदान की बात की है। अब हम दक्षिणी बिहार के मैदान की बात करेंगे। दक्षिणी बिहार की मैदान की बात करेंगे जिसमें देखेंगे चंदन मैदान, किऊल मैदान, किऊल एक जगह भी है, मध्य दक्षिणी बिहार मैदान और शाहबाद मैदान। कौन कौन से मैदान? चंदन मैदान, किऊल मैदान, मध्य दक्षिणी बिहार मैदान और शाहबाद मैदान। क्षेत्रफल में उत्तर बिहार के मैदान से छोटे हैं। यानी अगर आपसे देखा जाए तो उत्तर के बिहार के मैदान से छोटे हैं दक्षिणी बिहार के मैदान। ताल क्षेत्र, ताल क्षेत्र क्या होता है? एक तस्तरी के आकार का निचला क्षेत्र जो मानसून के दौरान पानी से भर जाता है। यानी बारिश के वक्त में क्या पानी से भर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताल क्षेत्र। यानी एक तस्तरी के आकार का निचला क्षेत्र होता है। किसके? तस्तरी। तस्तरी के आकार के निचला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून के दौरान पानी से भर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ताल क्षेत्र। मोकामा ताल, मोकामा ताल, मोकामा
मुकाम है, फतुहा से लखीसराय तक फैला हुआ है। कहाँ से? फतुहा से लखीसराय तक फैला हुआ है, जिसे बिहार का बीमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का बीमारी। क्वेश्चन आ सकता है, बिहार का बीमारी किसे कहा जाता है? तो मोकामा ताल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोकामा ताल को। अब हम बात करते हैं साउथर्न नैरो प्लेट्यू का, दक्षिणी संकीर्ण पठार की बात करते हैं। तो मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है, निम्न पर्वतमाला और पृथक चोटियाँ है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ सबसे विस्तृत और श्रृंखला बनाती है, जो जमालपुर से जमुई रेलवे स्टेशन तक फैली हुई है। यानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ तक फैली हुई है? तो जमालपुर से जमुई रेलवे स्टेशन तक फैली है, जो एक विस्तृत, सबसे विस्तृत श्रृंखला बनाती है। गिद्धेश्वर पहाड़ियाँ पहाड़ियों का एक खंड बनाती है। राजगीर पर्वत श्रेणी, राजगीर पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो बोधगया से विस्तार और गिरगाय के पास समाप्त होता है। बोधगया किस लिए फेमस है? गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति भी बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए भी बोधगया से भी प्राप्त है। और राजगीर पर्वत श्रेणी कहाँ? बोधगया से विस्तार है। अब हम बात करें तो ये हम लोग बिहार की मैदान यानी उत्तरी मैदान और दक्षिण मैदान को देख लिए। अब हम बात करेंगे बिहार की जलवायु, यानी बिहार की जलवायु कैसा है। तो बिहार की जलवायु आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय है। क्या क्या है? तो जलवायु आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी जलवायु की विशेषता क्या है? तो तीन अलग अलग मौसम है, गर्मी के मौसम, शीत ऋतु और बारिश का मौसम, यानी तीनों मौसम होते हैं। और इस जलवायु की क्या है? आर्द्र, आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय है। बारिश का औसतन तापमान दिसंबर फरवरी के दौरान ठंडी के सर्दियों में 8 डिग्री सेल्सियस और अप्रैल जून के दौरान गर्म यानी गर्मी के महीने में 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी अगर हम बात करें तो दिसंबर और फरवरी के बीच में कितने, यानी 8 डिग्री सेल्सियस से, और अप्रैल और जून यानी गर्मी के मौसम में 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बारिश बिहार में होता है। पूर्वी भाग की समुद्र से निकटता के कारण आर्द्र और जलवायु का अनुभव करता है। यानी किससे? यानी इसको देखा जाए तो पूर्वी भाग समुद्र से निकट होने के कारण ये जलवायु का अनुभव करता है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत शुष्क होता है, यानी सूखा होता है। क्या होता है? शुष्क होता है। पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी भाग में, और 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा कहाँ होती है? इसके पूर्वी भाग में होती है। हिमालय से निकटता के कारण उत्तरी भाग यानी दक्षिण भाग की तुलना में ठंड होता है। उत्तरी भाग कल के क्लास में आप लोग को बताया गया था, जो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण ये जो ऊपर की भाग होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। एक का और क्वेश्चन कल था समशीतोष्ण, समशीतोष्ण का मतलब होता है ठंड और गर्म का मिला जुला रूप। यानी इसका दक्षिणी भाग क्या है? गर्म है और उत्तरी भाग ठंड है, उसी को हम समशीतोष्ण बोला जाता है। उसी चूंकि इसका जो उत्तरी भाग किसके निकट है यानी किसके नज़दीक है, तो हिमालय से, इसलिए हिमालय से निकटता के कारण उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की तुलना में ठंडा है। कोपेन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय, मानसून हल्की शुष्क और सर्दी और गर्म यानी ग्रीष्म के अंतर्गत आती है। यानी मानसून इसका क्या? हल्की और शुष्क, सर्दी और गर्म ग्रीष्म के अंतर्गत आती है। सबसे गर्म और ठंडा जिला गया जिला, यानी गया देखा जाए तो सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा भी जिला है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे गर्म जिले का नाम बताइए, तो सबसे गर्म जिले का नाम क्या है? गया। और सबसे ठंडा जिला गया ही है। अधिकतम वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज जिले में अधिकतम वर्षा होती है क्या? 1694.1 मिलीमीटर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल, अरवल जिले में 697.9 मिलीमीटर। शीत ऋतु की वर्षा का संबंध पश्चिमी विक्षोभ से है, यानी शीत ऋतु की वर्षा का संबंध किससे है? तो पश्चिमी विक्षोभ से है। क्वेश्चन यहाँ पे है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे गर्म और ठंडा जिला तो गया जिला, अधिकतम वर्षा वाला जिला किशनगंज जिला, न्यूनतम वर्षा वाला जिला अरवल। अब नॉर्वेस्टर तूफान मई और जून के महीने में आते हैं। एक चक्रवाती तूफान और बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न होती है।
यह तूफान बिहार के पूर्वी हिस्से को प्रभावित करती है। किसके पूर्वी हिस्से को प्रभावित करते हैं? इसे प्री मानसून बारिश भी लाते हैं, प्री मानसून बारिश भी लाते हैं। बिहार के चार कृषि जलवायु के क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी मैदान, पूर्वी बिहार की मैदानी भाग, दक्षिणी पश्चिमी मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यानी क्वेश्चन आ सकता है बिहार के चार कृषि जलवायु के क्षेत्र में बांटा गया है, तो ऑप्शन दे देगा उत्तर पश्चिमी मैदान, पूर्वी बिहारी मैदान के बाद दक्षिणी पश्चिमी के मैदान और दक्षिणी का पठार का क्षेत्र। बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार के अपवाह तंत्र यानी बिहार की नदियों और उनके उद्गम के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यह दो श्रेणियां हिमालय से निकलने वाली नदियां और दक्षिण पठार के क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। यानी बिहार का अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में, तो नदियां दो जगह से निकलती है, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हम बोले तो गंगा नदी जो उत्तराखंड में गंगोत्री और ग्लेशियर के पास से गोमुख से निकलती है, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में गंगोत्री जगह है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास से के गोमुख से निकलती है। उसके बक्सर जिले के चौसा के निकट प्रवेश करती है। तो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? अगर चौसा दे तो चौसा मारिए, और जिले का नाम दे तो बक्सर, बक्सर जिले के चौसा के निकट प्रवेश करती है। क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। भोजपुर और सारण के जिले के बीच का सीमा बनाती है, यानी सीमा कहाँ कहाँ बनाती है? तो भोजपुर और सारण जिले के बीच सीमा बनाती है। बिहार में केवल 445 किलोमीटर बहती है, यानी गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? तो 445 किलोमीटर बहती है। प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियां में घाघरा, गंडक और कोसी नदी शामिल है। यानी इसकी सहायक नदियां में देखा जाए तो घाघरा, किनारे की सहायक नदियां घाघरा, गंडक और कोसी नदी शामिल है। घाघरा नदी की हम बात करें, घाघरा रिवर की बात करें, तो तिब्बत में माप चांचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत में माप चांचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। माप चांचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। कर्नाली भी कहा जाता है, यानी घाघरा नदी को कर्नाली भी कहा जाता है। सारण के रेलवे गंज में गंगा में मिलती है। तो घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में, यानी सारण के रेबेलगंज सारण के रेबेलगंज में मिलती है। उत्तर बिहार की नदियों की बात हो रही है, तो तीसरा गंडक नदी की हम बात करें। किसकी? गंडक नदी तो नेपाल में। गंडक नदी कहाँ? नेपाल में अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है, यानी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नगर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली से होकर बहती है। यानी गंडक नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली से होकर बहती है। मैप में इसको देख सकते हैं आप लोग, अगर मैप में देखा जाए तो देखिए ये मैप में कहाँ है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसी मुजफ्फरपुर, वैशाली, यहाँ से सारण, ये सभी से गंड निकल कर बहती है। कौन से? तो हम गंडक नदी कहाँ? गंडक नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली से होकर बहती है। सहायक नदियों की बात करें तो भावसा, काकरा, हरहरा, हाजीपुर में गंगा से मिलती है। यानी गंडक नदी कहाँ मिलती है गंगा से? तो हाजीपुर में। हाजीपुर में अगर हाजीपुर के जगह अगर वैशाली भी दे, तो वैशाली भी आप लोग, हाजीपुर को ही बोला जाता है वैशाली, हाजीपुर में। उसके बाद अब बात करें बूढ़ी गंडक नदी की, बूढ़ी गंडक नदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर रेंज से निकलती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया से होकर बहती है। सहायक नदियों की बात करें तो मसान, बेवार, पंडी, सिकत, तिलावे, तिऊर, धनौती, कोहरा और डंडा। डंडा मुंगेर के पास मांझी में गंगा में मिलती है। यानी कहाँ मिलती है? तो मुंगेर के पास मांझी में गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है। और गंडक नदी कहाँ मिलती है? तो हाजीपुर में, हाजीपुर में। और बूढ़ी गंडक नदी कहाँ? तो मुंगेर में। बागमती नदी की बात करें, किसकी? बागमती नदी की।
तो नेपाल में महाभारत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में महाभारत श्रृंखला से निकलती है। नेपाल की सबसे पवित्र नदी काठमांडू बागमती पर स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो बागमती पर स्थित है। सीतामढ़ी जिले से बिहार में प्रवेश करती है, यानी कि जिले से बिहार में प्रवेश करती है बागमती नदी। तो सीतामढ़ी जिले से सहायक नदियाँ कमला बलान लाल बकिया और लखनदेई मुंगेर के पास मांझी में गंगा में मिलती है। ये मुंगेर के पास बूढ़ी गंडक भी मिलती है और बागमती नदी भी मिलती है। कौन कौन से? तो बूढ़ी गंडक और बागमती भी मिलती है। कमला बलान नदी, कमला बलान नदी, अगला कमला बलान नदी की हम बात करें तो नेपाल में महाभारत श्रृंखला से निकलती है, यानी बागमती नदी और कमला बलान नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में महाभारत श्रृंखला से निकलती है। ये कहाँ मिलती है? मधुबनी जिले से बिहार में प्रवेश करती है। और बागमती कहाँ से? तो सीतामढ़ी से, कंफ्यूज नहीं होना है। बागमती सीतामढ़ी से और कमला मधुबनी से। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो मैनावाती धौरी सोनी बलान त्रिशूला मधुबनी जिले के बदलाव घाट में बागमती में मिलती है। बात करें हम कोसी नदी, कोसी नदी नेपाल और चीन के सीमा पर माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी नेपाल और चीन की सीमा पर माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। माउंट एवरेस्ट में ग्लेशियर से पानी प्राप्त करता है। सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है। किस जिले से? तो कोसी नदी सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार का दुख भरा करवट बदलता है, यानी कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भी इसकी मुहान कहीं भी। कोसी नदी को दुख भरा नदी भी बोला जाता है। सहायक नदियाँ इसका फरियानी धारा, धीमनाना धारा, भूति बलान, त्रिजुंगा, कटिहार जिले के कुशल में गंगा में मिलती है। कहाँ? यानी कटिहार जिले के कुशल, कुशल में गंगा में मिलती है। उसके बाद बोले महानंदा नदी की, तो दार्जिलिंग में कुशीवंगा के पूर्व से निकलती है। किशनगंज जिले से बिहार में प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ बालसन रतवा और कनखोई कुछ ही दूरी के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। बांग्लादेश में गंगा में मिलती है। अब बात करें हम दक्षिण बिहार की नदियाँ क्या चल रहा था, तो ये उत्तर बिहार की नदियाँ चल रही थी। अब बात करें हम दक्षिण बिहार की नदियाँ की बात करें तो इसमें सोन नदी को हम देखेंगे, पुनपुन नदी को देखेंगे, फल्गुन नदी को देखेंगे। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से? सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। कैमूर जिले से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? कैमूर जिले से बिहार में प्रवेश करती है। यानी सोन नदी का मध्य प्रदेश से अमरकंटक पठार से निकलती है और कैमूर जिले से बिहार में प्रवेश करती है। सहायक नदियों की बात करें तो रिहान उत्तरी किऊन पटना जिले में दानापुर के निकट गंगा में मिलती है। कहाँ? दानापुर के निकट गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी की हम बात करें तो झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। गया जिले से बिहार में प्रवेश करती है। सहायक नदियों की बात करें तो ब्यूटेन दोरदा मदार और मोरहर और पटना जिले में फतुहा के निकट गंगा में मिलती है। फल्गु नदी की बात करें तो लीलाजन और मोहना के संगम से निकलती है। हिंदुओं और बौद्धों के लिए पवित्र नदी है। किसके लिए? हिंदुओं और बौद्धों के लिए, यानी बौद्ध धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए पवित्र नदी फल्गु नदी को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा लोग। इसे निर्जना नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके? निर्जना नदी के नाम से भी जाना जाता है। पटना जिले में ये पुनपुन में शामिल होती है। पटना जिले में ये पुनपुन में शामिल होती है। किऊल, किऊल नदी की अगर हम बात करें तो झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। जमुई और लखीसराय से होकर बहती है। सहायक नदियाँ मदार और मोरहर गंगा में मिलती है। कर्मनसा नदी कैमूर रेंज से निकलती है। कहाँ से? कैमूर रेंज से निकलती है। यूपी और बिहार के सीमा बनाता है। सहायक नदियों की बात करें तो दुर्गावती, यानी कर्मनसा नदी के सहायक नदी कौन कौन सा है? तो दुर्गावती, खजूरी, करनौती और चंद्रप्रभा। बक्सर जिले में चौसा के निकट गंगा में मिलती है। अशुभ नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कर्मनसा नदी को अशुभ नदी भी बोला जाता है। अजय नदी मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिमी से निकलती है। झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और सहायक नदियों
यानी पत्थरों, तमुनी तुमुनी जयंती कुन्नर और बर्धमान पश्चिम बंगाल में चितरंजन के निकट गंगा में मिलती है। किसके निकट? पश्चिम बंगाल में चितरंजन के निकट गंगा में मिलती है। बांध और प्रमुख की बात करें, यानी नदी की बात हो गई, तो अब किसकी बात करेंगे हम? बांध और प्रमुख नहरें। तो प्रमुख नहरें में पहला आता है त्रिवेणी नहर को हम देखेंगे। किसको? त्रिवेणी नहर को देखेंगे, जो गंडक नदी से पानी प्राप्त करता है। कहाँ से? तो गंडक नदी से पानी प्राप्त करता है, पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई के लिए विकसित है, यानी पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई के लिए विकसित है। भीमनगर बैराज, इसे कोसी बैराज के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? इसे कोसी बैराज के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर में निर्मित है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता के तहत बनाया गया था, यानी भारत और नेपाल के बीच इसमें कौन से द्विपक्षीय समझौता होता है? उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ पर नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन। इंदरपुरी बांध की बात हम बोले, किसकी? इंदरपुरी बांध की। तो रोहतास जिले के डेहरी में सोन नदी और 14 सोन नदी, यानी रोहतास जिले के डेहरी में सोन नदी पर है इंदरपुरी बांध। इसका लंबाई देखें तो 1407 मीटर लंबा। इसे सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है। किसके? सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बांध सागर बांध भी बना हुआ है। सोन नहर की बात करें, सोन नहर की बात करें तो बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। क्या है? बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। 1874 में कमीशन किया गया था। कब किया गया था? 1874 में कमीशन किया गया था। दो भागों में विभाजित थी। पूर्वी सोन नहर की अगर हम बात करें तो पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद जिले हैं। यानी पूर्वी सोन नहर कौन कौन से हैं? पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद जिले हैं। पश्चिमी सोन नहर भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर जिले हैं। अगर पूर्वी सोन नहर की बात करें तो पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद। पश्चिमी सोन नहर की बात करें भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर जिले। तो ये हमारी कोशिश, हम क्या क्या देखे? तो बांध और प्रमुख नहरें देखे। उसके बाद हम क्या क्या देखे? तो दक्षिणी बिहार की नदियाँ देखे। उसके बाद हमने क्या क्या देखे? तो बागमती नदी देखे। यानी नदियों की अगर हम बात करें तो एक बार देखे बिहार की अपवाह तंत्र देखे, जिसमें उत्तर बिहार की नदियों के बारे में बड़े, जहाँ गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला बलान नदी की बात करें, कोसी नदी की बात करें, महानंदा नदी की बात करें। और ये दक्षिण बिहार की नदी है। दक्षिण बिहार की नदी में सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी। फल्गु नदी को हमने क्या बताया? तो इसे हिंदू और बौद्ध के लिए पवित्र माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पटना जिले में पुनपुन में शामिल होते हैं। किउल नदी, कर्मनसा नदी, अजय नदी। उसके बाद अगर हम बांध और प्रमुख नहरें की बात करें तो ये त्रिवेणी नहर, क्या है? त्रिवेणी नहर और भीम नगर बैराज और इंद्रपुरी बांध, ये क्या है? बांध है। और हम कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, क्या? कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात करें तो ये दो भागों में विभाजित है। किसके? दो भागों में विभाजित है। पूर्वी कोसी नहर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और के लाभार्थी जिले हैं। पश्चिमी कोसी नहर की अगर हम बात करें तो मधुबनी, दरभंगा के लाभार्थी जिले हैं। भारतीय नेपाल की संयुक्त परियोजना जो 1954 में बनी थी, यानी कब बनी थी? तो 1954 में। डेट भी याद रखना है, संयुक्त एक साथ मिलकर बनी थी भारतीय और नेपाल की, ये संयुक्त परियोजना है। कमला बैराज की बात करें तो मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे में स्थित है। कहाँ? मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे में स्थित है। कमला नदी पर बना है। किसके नदी पर बना है? तो कमला नदी पर बना है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? यानी बिहार राज्य सरकार द्वारा निर्मित है। अगर क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए। दुर्गवती बांध की अगर हम बात करें तो दुर्गवती बांध की बात करें तो कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ? तो कैमूर जिलों में स्थित है। दुर्गवती नदी कर्मनसा नदी की सहायक नदी पर स्थित है। किसके? सहायक नदी पर स्थित है। इसके लाभार्थी कौन कौन है? तो कैमूर और रोहतास जिले हैं। मिट्टी का बांध, यानी लंबाई 1616 मीटर, ऊंचाई 46.6 मीटर है। सोनार बिहार के सबसे पुरानी नहर, पूर्वी सोन नहर, यानी इसको हमने देख लिया। उसके बाद अगर सोन नहर की एक बार और बात करें तो बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है, यानी सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन नहर है? सोन नहर की बात करता है, जो 1874 में कमीशन किया गया। कब किया गया है?
1874 में कमीशन किया गया है। दो भागों में विभाजित है, कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। पूर्वी सोनार पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद जिले में है, और पश्चिमी सोनार भोजपुर, कैमूर, रोहतास और बक्सर के जिले में है। तो आज की क्लास में ज्योग्राफी पूरी तरह से, यानी एक क्रैश कोर्स था, इसलिए इसमें पॉइंट पर ही हाईलाइट किया गया था। अगर आप लोग इसका डिटेल देखेंगे तो हम ज्योग्राफी को लेके आएंगे, जिसमें इसमें डिटेल स्टडी भी होगी, और एक क्रैश कोर्स था, इसमें पॉइंट है। चूँकि आप लोग के पास भी टाइम नहीं है, तो आप लोग अपना नोट्स कॉपी लें और पॉइंट से बनाते हुए क्वेश्चन को करते चले जाएं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। हमारी मनोबल आपसे ही जुड़ी हुई है, आप जितने हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करेंगे, हम और अच्छे से अच्छे अपने पर बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और अपने आप पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम थैंक यू कहते हैं, और द लाइसियम को एक बार आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक क्रैश कोर्स को अपने दूर दराज दोस्तों के पास भेजिए। क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है बस इसको देते जाना, यानी पॉइंट बाई हाईलाइट करते जाना। ओके, थैंक यू सो मच।